You deserve Aman? To be on the rocking chair. Yeah, how are you feeling? Sitting next to Kajal? Amazing. She's really beautiful. You did a great job. Thank and you this so is much. My favorite song, by the way. Thank you so much. सबसे पहले मैं रणदीप पाजी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ यार. सरबजीत में आपने क्या कमाल का काम किया. मतलब चारों तरफ चर्चा हो रही सर आपकी. काजल बहुत बहुत स्वागत है आपका. पहली बार आई हैं आप. जी बिल्कुल. थैंक यू. अच्छा हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई. मैं कभी मतलब क्योंकि टीवी शोज में इंटरव्यूज में बहुत कम दिखाई देती है. आप वैसे कहाँ से बिलोंग करती हैं काजल. मैं बंबई की हूँ लेकिन मेरे रूट्स अमृतसर से हैं जो आपके साथ कॉमन है. व्हाट. यस. कभी मिली नहीं अमृतसर में. मतलब आप कहाँ पे होते हो. आप तो यहाँ पे हो ना. अरे मैं उधर सड़क पे मिलता था. आपको पता है दो लफ्जों की कहानी में रणदीप पहली बार. पर ये पहली फिल्म है ना आपकी रोमांटिक. हाँ इस तरह की रोमांटिक जो था पिक्चरें तो मेरे को लगता है मेरे तो सारे कैरेक्टर रोमांटिक है पर लोगों को नहीं लगता ये. पर ये बोनाफाइड पहली एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें, रोमांटिक है. जिसमें लड़का लड़की के बारे में ही कहानी है. बैन मैन नहीं है इन्वॉल्व. तो कैसा आप तो कैसा लग रहा है आपको पहली बार इमरान हाशमी वाली फीलिंग लेकर. नहीं नहीं बहुत अच्छा है. इमरान भी बहुत अच्छा है इसमें. इमरान हाशमी फीलिंग इसलिए आती है इस पिक्चर में क्योंकि गाने बहुत अच्छे हैं. अच्छी बात है. सब अच्छे लोग जब जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ बनती है. अच्छा मैंने देखा कि एक दो मैंने एक फिल्म में देखी शायद तेलुगु फिल्म थी. वहाँ पर जब रोमांस होता है तो मतलब जैसे ही लड़का लड़की की आँखें मिली तो हीरो ने अपनी फटाफट लुंगी गर्च करके ऐसे करी और लड़की ने ऐसे बाल झटके तो भाजी दो सेकंड में 250 लोग आते हैं फिर वो 500 की स्पीड पर नाचते हैं. तो मतलब रोमांस अलग होता है. हर किसी का अपने तरीके का रोमांस होता है. आपको ज़्यादा मतलब रोमांस करना बॉलीवुड में अच्छा लगा कि साउथ फिल्मों में. एक्चुअली ये पहली बार है जो मैं बॉलीवुड में रोमांस कर रही हूँ तो मुझे आदत साउथ की है. okay. और बाल झटकने की है. सिंघम में नहीं था क्या. ज्यादा नहीं. अच्छा वो रोमांटिक फिल्म नहीं पुलिस की सॉरी वो ज्यादा तरीके ड्यूटी पे रहे ना ज्यादा. मैंने ट्रेलर में देखा पाजी आप 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हो. हाँ. फिल्म में तो कर ही रहे हैं रियल लाइफ में भी कर रहे हैं. थोड़े दिन पहले सरबजीत के लिए आए थे आज इसके लिए उसके बाद सुल्तान भी आ रही है उसमें आप बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं पाजी. मतलब कमाल है ये तो अच्छी बात है. चलिए काजल अग्रवाल. काजल तो नाम बड़ा खूबसूरत है. अग्रवाल बड़ा खूबसूरत है पर अग्रवाल सरनेम की कोई आज तक हीरोइन हुई नहीं इंडस्ट्री में. काजल पहली है. नहीं तो मेरी क्लास में दो लड़कियां थी दोनों के पापा की स्वीट शॉप थी. चेन्नई में है. तो चेन्नई में एक स्वीट शॉप है कॉल्ड अग्रवाल स्वीट्स. तो सबको लगता है कि वो मेरे पापा की दुकान है लेकिन नहीं है. तो वैसे आपके पापा क्या करते हैं मतलब. टेक्सटाइल्स. वो भी मिठाई वाले लगते हैं कितनी स्वीट स्वीट लड़की है. सही बात. इमरती जैसी बेटी है उनकी ना. अरे आपने कभी नहीं बताया इतनी बार मुलाकात हुई मैंने कभी नहीं पूछा भाजी आप कैसे आए थे मतलब फिल्मों में. मैं हाँ आपकी फैमिली में तो कोई एक्टर नहीं है ना. नहीं 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 मेरी फैमिली में डॉक्टर हैं मोस्टली लोग. मेरे पिताजी भी यहाँ पे हैं. सर प्रणाम कैसे हैं आप. मुबारक हो आपका बेटा लायक निकला. बहुत नाम कमा रहे हैं. कैसे सर आप. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. सर आप डॉक्टर हैं. मैं सर्जन हूँ. अच्छा तो आपने कभी मतलब रोका नहीं रणदीप को कि तू फिल्म लाइन में जा रहा है बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है किस्मत है पता नहीं ऐसा कभी रोका नहीं आपने. नहीं बहुत रोका. अच्छा और बोला भी कि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है लेकिन आज इसकी वजह से मैं आपके शो में आया. मुझे बहुत अच्छा लगा. हाउ स्वीट. थैंक यू सर. वेलकम वेलकम. नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनके बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं. पुलिस वाले जो होते हैं उनके बच्चे कभी कभी कॉमेडियन बन जाते हैं. बट इन्होंने मुझे बोला था. मैं बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो पहले तो मैंने इनको ऑस्ट्रेलिया से फोन किया था कि जी यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिपार्टमेंट है मेरे कॉलेज में क्योंकि मैं पहले साल में फेल हो गया था. तो मेरे को लगा यार कि अब घर वालों को बताऊंगा फेल हो गया ये हो गया इससे अच्छा कि कोर्स ही चेंज कर लेते हैं. अच्छा तो मैंने इनको फोन किया कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहता हूँ. तो इन्होंने बोला परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होता है. हाँ नई नई चीज़ें आती तो मैं बोला वही एक्टिंग वगैरह वगैरह. तो थोड़ी देर फोन पर चुप्पी रही फिर बोले भाई भांड बनना है तो घर ही आ जाए एटलीस्ट हमारे साथ तो रहेगा. फिर मैं जब डिग्री खत्म करके आया तो मैंने बोला कि अभी देखो मुझे जॉब भी मिल गई है पर अब मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ. तो इन्होंने बोला हम तो किसी को जानते नहीं वहाँ पे तेरा कुछ नहीं होने वाला. तो मैं बोला नहीं नहीं मेरे को करनी ही करनी है. तो बोला चल भाई तूने जो करना है कर बुढ़ापे में हमारे ऊपर आके बोझ मत बनना. चलिए आज तो अंकल आप खुश है ना. बहुत खुश है. बहुत खुश हूँ. बहुत खुश हैं आप. चलिए बहुत भगवान आपको हमेशा खुशी रखे और बहुत बहुत गर्व होना चाहिए आपको अपने बेटे पर. और आपको भी होना चाहिए भाई. इजीली कह तो दिया ना उन्होंने फिर भी. तो ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहे थे इंटरनेशनल कॉल पे आदमी इतना लंबा पॉज लेके डिसीजन ले रहे हैं फिर पैसे पड़ जाते भाई. थैंक यू अंकल. काजल मुझे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना है.
पूछिए। आपने राजा मौली साहब के साथ एक फिल्म करी थी, साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बाहुबली भी बनाई, बहुत कामयाब फिल्म रही, और काजल ने उनके साथ एक फिल्म में काम किया, मगधीरा, जो कि बहुत बड़ी हिट रही। अच्छा, आप तो फिर उनको जानती हैं, तो ऐसे आप मतलब उनसे पूछ के हमें बता सकती हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नहीं बताएंगे? हेलो, अरे चित्र जा, हाँ कोई चिंता मत करें, हाँ वो जो तो लड़का है ना चित्र को धोखा देके गया, तो उसको मैं ढूंढ लूंगी, टेंशन ना ले। हाँ, यहाँ तो सारे लड़के हैंडसम लग रहे हैं मुझे, हैं कोई बात नहीं, एक अच्छा सा हैंडसम लड़का ढूंढ दूंगी मैं तेरे लिए, चिंता मत कर, प्यार में सिखा दूंगी उसको, ठीक है? चेहरा रखना। अरे आप वही हो दिल्ली में भी आई थी? हाँ, तो फिर आ गई यहाँ पे, तुम अमृतसर से आ गए, मैंने पूछा तुमको। अरे बताओ मेरे को, वही कोइंसिडेंस देखो, मैं सुमन हुड्डा, मेरा भी सरनेम हुड्डा ही है। अरे वाह, हम तो भाई बहन हो गए। नहीं नहीं, भाई बहन कैसे हो गए? आपका जो हुड्डा उसमें छोटा हुआ है, मेरे हुड्डा में बड़ा लगा हुआ है। मुझे शक है आपका हुड्डा नकली है। नहीं नहीं, आप मेरा हुड्डा नाप सकते हो। अपना हुड्डा बीच में मत उड़ाओ, मैंने तुम्हारा हुड्डा तोड़ देना, मैं पुलिस वाली हूँ। तो हुआ क्या, क्या आपकी सहेल, क्या मेरी सहेली को ना एक लड़का छेड़ के चला गया, धोखा दे के चला गया उसको, तो मैं वो ढूंढने के लिए आई हुई हूँ। अब ये बैठे हैं अरमान और अमाल, ये तो पहले भी दोनों इतने छोटे हैं, इन दोनों को आपस में मिला दो तो तब भी लड़की को धोखा नहीं दे सकते, ठीक है? काजल क्यों धोखा देगी मेरी सहेली को, उसको क्या पड़ी बेचारी को? अरे क्या, मुझे पता था हुड्डा का लौंडा ही होगा ये जरूर, लड़की छेड़ेगा। एक काम करती हैं, एक मिनट कपिल सर, तो आपने लड़की को धोखा दिया? नहीं, मैंने तो नहीं दिया भाई। अगर नहीं दिया आपने मान लो, तो कोई बात नहीं, मैं आपसे धोखा खाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अगर आपको लगता है तो मैं खड़ी हूँ, मुझे धोखा दे लो। अरे आप इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड है, आप क्यों धोखे खा रही? बाहर जाइए, आप धक्के खाइए। आप इनके साथ ना 5 मिनट भाग लो तेज तेज, अगर उसके बाद भी ये लड़की रही। मेरे को लग रहा है अगर मैंने कुछ कुछ भी किया तो धोखा मेरे साथ होने वाला है। ये सारे यहाँ पे बदमाश बैठे हो, तुम पुलिस वालों को सीरियसली ले नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा सबको चलान काट दूंगी, मैं उतार रही हूँ तुमको। क्यों, हमारा क्यों चलान काटोगे? पहले तो अरमान और माल का चलान काटूंगी मैं। क्यों, किस बात के लिए? इन्होंने गाना बनाया सूरज डूबा है, नशे में धुत में, ड्रिंक एंड सिंक के केस में चलान काटूंगी इनका। हनी सिंह तो रोज गाता है 4 बोतल वोद का, काम मेरा रोज का, उसको पकड़ो। तो उसका तो रोज का काम है, रोज रोज मैं यही लगी रहूं क्या? और ज्यादा मत बोलो कपिल शर्मा, तुम्हारा भी चलान काट दूंगी मैं, बता रही हूँ तुमको। मेरा क्यों चलान काटोगे? मैं क्या कर रहा हूँ, तो शो ही चला रहा हूँ बस, और क्या किया? तो बिना हेलमेट पहने चला रहे हो ना शो तुम? क्योंकि जितनी स्पीड से तुम शो चला रहे हो ना, 3-4 दूसरे शो नीचे आ गए हैं, पता तुमको? और सबसे बड़ी बात, इतना ज्यादा बोलते हो ना, तुम्हारा तो अरेस्ट करना बनता, मैं तो दूंगा। कैसी चिंगम टाइप है आप, खिंचती जा रही हैं, अरेस्ट आप ऐसे नहीं कर सकती, आप वारंट है आपके पास? तो और क्या, ये क्या, मैं जन्मपत्री लेके आई हूँ। दिखाइए, चेक कर इंग्लिश में, तेरे पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। क्या बकवास कर रहे, जूसर की वारंटी है ये? ये क्या है? हाँ तो पुलिस वाले भी तो आदमी को पकड़ के हवालात में जूस ही निकालते हैं। कपिल शर्मा, कानून के साथ मजाक नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जब कानून मजाक करता तो फिर हंसी नहीं आती, आई समझ को तुमको। अरे क्या गिटार वाले, तू हंस रहा है? ऐसी जगह पे मारूंगी, सारे शो में खड़े होकर गिटार बजाएगा तू। अच्छा हुड्डा साहब, आपकी FIR जो है ना हरियाणा में दर्ज हुई है, तो आपको मेरे साथ हरियाणा चलना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे चले, ऐसे कैसे, मैं तो कुछ करा। आपको कैसे पता रणदीप ही वो लड़का जिसने आपकी सहेली को धोखा दिया है? FIR मेरे हाथ में है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है FIR के अंदर, तो मैं दर्ज करूंगी करूंगी, देखना। ये लिखा है देखो जी, आपने लड़की को पहले बस स्टॉप पे बुलाया, फिर उसके बाद उसको पेड़ के पीछे लेके गए, छेड़ा उसको वहां पे जाके। करा इन्होंने? हाँ। नहीं नहीं यार, मैं किसी को नहीं छेड़ा। और मैं झूठ लिखा है क्या इसमें? और मैं तो ऐसे छेड़ता ही नहीं हूँ। तो फिर कैसे छेड़ते हो, छेड़ के बताओ, चलो खड़े हो।
छेड़ के बताओ, अभी छेड़ना किसको बताना? छेड़ना किसको है? चलो मेरे को छेड़ दो, आ जाओ छेड़ दो थोड़ा सा, और क्या है। अरे पुलिस वाली है, बहुत सुथरी दिख है, है? न्यू करे फिल्म देखने चलेगी है? अंग्रेजी हिंदी तने जोन सी बढ़िया लागे, अंग्रेजी वाली बढ़िया हो है, फिर हिंदी में समझा दोगे? हाँ कति, कोने वाली सीट पे बैठेंगे और एक कोल्ड ड्रिंक में दो स्ट्रॉ लाके पियोगे। अंधेरे को नजायज फायदा तो नहीं उठाओगे? नजायज फायदे का तो डर मेरे को लग रहा है। देखो भाई, पकड़ा गया, अब तो सजा मिलेगी, लड़की छेड़ी है भाई, रंदी बुड्ढा ने लड़की सार सारे आम छेड़ी है। चल तू दे ले, तेने जो सजा देनी है। सजा तो देनी पड़ेगी, अपना एक मिनट खड़े हो ना, सजा का टाइम है, आप इधर जाओ, सजा देनी आप उधर आ जाओ ना, उधर बैठ जाओ। वो तो रॉकिंग से है, रॉक स्टार के लिए। तो बैठो ना, मैं रॉकिंग करती, सजा तो मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। ये सजा दे रहा है या कुछ अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी कर रहा है? एक तो रा रा करना बंद करो अभी, करना घंटा लगता है हमको रही है बनने में। हाँ सॉरी, देरी है सजा। तुम यार आई तो तुम अपनी सहेली के लिए थी, ये तुमने खुद शुरू कर दिया काम। तो सहेली तो निकली अंदर से, और कौन निकला बाहर? हमारे शहर का गाना सुनाती हूँ। सुनाओ। चला चला रे डलेवर गाड़ी हले हले। चला चला रे डलेवर गाड़ी हले 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 मारो ये बड़े जोर से आ, बड़े जोर से आ, बड़े जोर से आ।
बड़े जोर से आ, बड़े जोर से आ, बड़े जोर से आ, और जोर से